हेलो लर्नर, माय नेम इज रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट। ऑफिशियल आंसर की आप यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स जो आ गया है, बोर्ड ने जो इसका जारी कर दिया है आंसर की। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ क्वेश्चन से, जहाँ पे हमारे जो बताए हुए क्वेश्चन मेरे कुछ गलत हुए। इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ लीड्स टू, तो मैंने बताया था इंक्रीज इन प्राइस ऑफ, एक मिनट, यहाँ पे जो ऑप्शन था मैंने आपको बताया था इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, वो गलत है। ऑप्शन जो है कि सी आयोग ने सही दिया है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट जो है इन्होंने सही किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स प्रपोज द आइडिया दैट चेंजेज इन बैंक रेट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी थ्रो शॉर्ट टर्म रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड वॉरियरिंग कैपिटल। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट हॉटरे का है। नेक्स्ट, हु हैज़ फर्स्ट यूज द टर्म न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, तो ये जो है कि स्टेटमेंट विकस्टिड रॉबर्टसन हायक तीनों ने दिया है, बट आयोग ने विकस्टिड को माना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे जो है कि थोड़ा प्रॉब्लम है और चैलेंजेबल है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जो है सेकेंड वाला वाज स्टार्टेड फ्रॉम, तो आप जब चेक करेंगे गूगल वगैरह तो आपको ऑप्शन सी नज़र आएगा, बट आयोग ने इसे जो है अप्रैल 2006 माना है, यानी कि बी को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द फॉलोइंग डाटा फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका आंसर आएगा 8। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फिलिप्स कर एनालिसिस द वे टू सॉल्व इन्फ्लेशन इज टू, तो मैंने आपको बताया था इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट और डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, जबकि आयोग ने इसका बोला है आंसर इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फिर इंटरनल इकोनॉमिक अराइजेज वेन, जो कि मैंने आपको बताया था कि फर्म अप्लाइज डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट है, व्हेन देयर इज मोनोपसानी इज लेबर मार्केट एंड परफेक्ट कंपटीशन इज प्रोडक्ट मार्केट द मोनोपसानी एक्सप्लॉयटेशन इन द इक्विलिब्रियम सिचुएशन इज द डिफरेंस बिटवीन, तो इसका जो है उन्होंने आयोग ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, MW एंड AW। नेक्स्ट है हमारा, इक्विलिब्रियम इज अ कंडीशन वेयर, तो यहाँ पे ये ऑल ऑफ द एबव होगा, जो मैंने आपको बताया था कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से है इस पर कन्फ्यूजन है, तो ये 81 का डी है इसका आंसर। आयोग ने बोला अकॉर्डिंग टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ हेबरलर फुल स्पेशलाइजेशन ऑकर वेन, तो यहाँ पे जो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का सेटिस्फाइड कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो फुल स्पेशलाइजेशन होता है। नेक्स्ट, द ग्रीन क्लाइमेट फंड वाज इस्टेब्लिश इन कानकुन समिट, तो हमने जो आपको चेक किया होगा आपने भी, तो यहाँ पे UNFCCC आया था 1992 का, अरे 2010 का, UNFCCC, ठीक 2010 का था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आयोग ने कोपेहेगन समिट को माना है आंसर, यानी कि यहाँ जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे जो है कि ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है, आपको चैलेंज भी करना चाहिए। प्रपाउंडर ऑफ कंपेरेटिव कास्ट एडवांटेज थ्योरी, जो कि रिकार्डो होते हैं, आयोग ने JS मिल बोला है, जबकि JS मिल ने इस तरह से कोई थ्योरी दी ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्लेशन इज प्रॉफिटेबल फॉर, तो ये हमारे प्रोड्यूसर के लिए जो है प्रॉफिटेबल होता है। और ये रहा हमारा PGT इकोनॉमिक्स का जो है कि आंसर की, और इसका और अलग अलग सेट की अगर आंसर की होगी, आंसर की जो है आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जा करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक वाले पे जो है क्लिक कीजिएगा, वहाँ से मैंने वहाँ पे PDF शेयर कर दिया है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मेरे टेलीग्राम चैनल लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी PGT इकोनॉमिक्स की आंसर की। और जो है चैलेंजेबल क्वेश्चन में एक प्रपाउंडर ऑफ कंपैरेटिव कास्ट एडवांटेज थ्योरी है, क्योंकि रिकार्डो होते हैं और इन्होंने आंसर दिया है JS मिल। दूसरा है चैलेंजेबल क्वेश्चन में ये जो हमारा डेट वाला है, मैं बताती हूँ अभी आपको, ये वाला जिसका आंसर है अप्रैल 2005, आप सर्च करेंगे
तो यहाँ पे यह दिया है इन्होंने 2006। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।